वो भी है, चित्तौड़ का मैं भी हूँ, अध्यक्ष बना दे उसको, प्रधानमंत्री बना दे, तो मुझे क्या आपत्ति उसे, हम तो आमने सामने लड़ेंगे तो लड़ेंगे, उसमें क्या बात है। तो आप क्या ऐसा आप क्या मानते हैं चित्तौड़ के अंदर जितना आपको लगता है कि आपकी जीत इस मुद्दे पर आप जीतेंगे आपको लगता है? मैं क्षेत्र में रहता हूं, लोगों की पहचान है, जो वादे किए वो कभी पूरे नहीं हुए हैं, हमारे यहाँ जो समस्या वहीं की वहीं खड़ी है, वे मैं जब फार्म भरूंगा उस दिन अनाउंस करूंगा, आज आपके सामने बैठ के उन मुद्दों को मैं हल्का नहीं करना चाहता। लेकिन वो कल कह रहे थे अफीम के सारे पट्टे उनके जो एनडीए के शासन के अंदर अफीम के पट्टे मिले हैं, वो तो ये भी कह सकते हैं कि देश आजाद हमने कराया है, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है। लेकिन आप अपनी जीत को लेकर दुख तो होता होगा, आपके साथ वाले जो लोग थे सारे कांग्रेस छोड़ के बीजेपी आपके साथ, जो आपके मित्र थे, खास मित्रता दी आपने, लालचंद कटारिया चाहे राजेंद्र यादव की बात हो, देखो लोकतंत्र है, जिसकी मर्जी हो जावे उसके कोई मेरे पैसे बंधे हुए तो है नहीं है, मेरे वैसे तो बंधे हुए नहीं है, जहाँ उनकी मर्जी हो जाए, दोस्ती है तो आज भी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उनको उधर ठीक लग रहा हो जाए, लेकिन मैं तो जहाँ हूँ वही हूँ।